अब राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मैसेज सिर्फ इन प्रदेशों का मैसेज नहीं था, राजस्थान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मैसेज दिया है कि नरेंद्र मोदी जी आपको पूरे हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं तो हिंदुस्तान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के किसान का कर्जा भी माफ किया जाएगा। ये हैं कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 से पहले इन्होंने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद किसानों के लाखों करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राजस्थान के किसान खुशहाल होंगे, लेकिन चुनावी वादों का क्या, वो भला कहां पूरे होते हैं। अब राहुल गांधी राजस्थान में चुनाव से पहले एक और तोहफा लेकर आ रहे हैं और वो तोहफा है भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन इस तोहफे ने राजस्थान के किसानों की एक बार फिर से हालत खराब कर दी है, क्योंकि राहुल गांधी जिस यात्रा को लेकर आ रहे हैं वो राजस्थान के किसानों के पेट के ऊपर से गुजरने वाली है। ये पैसा हमको दे देगा तो हम उनको दे देंगे, ये पैसा प्राप्त नहीं किया तो हम नहीं देंगे। कितने बीघा जमीन है आपकी? 8 बीघा और 2 बसुआ है साहब। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुछ ही दिनों में राजस्थान पहुंचने वाली है, जो प्रदेश में करीब 15 दिनों तक रहेगी। 10 और 11 दिसंबर को ये यात्रा सवाई माधोपुर में रहने वाली है। यात्रा में आए लोगों के आराम करने के लिए इन खेतों को चुना जा रहा है और यही जिले के किसानों के लिए मुसीबत साबित हो रही है। लालसोट कोटा मेगा हाईवे के नजदीक इस खेत में खड़ी करीब 10 बीघा की इस फसल पर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है। गेहूं और सरसों की इन पकी पकाई फसलों को बर्बाद किया जाना है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि राहुल गांधी और उनकी यात्रा में आए लोग चैन से सो सकें। साहब आए थे और हमारी 45,000 रुपए पर बीघा में सहमति बन चुकी है और सहमति बनने के बाद में जो हमारा 45,000 रुपए पर बीघा का पेमेंट हमको मिल जाएगा तो हमको खेत देने में कोई आपत्ति नहीं। तो अभी तक क्या आपको पेमेंट नहीं मिला है? नहीं साहब, नहीं मिला। SDM साहब ने 2 दिन का नाम दिया, कल परसों आपको पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद में आपको कार्रवाई चालू होगी। अब किसानों के फसलों को उखाड़ फेंकने के बाद कांग्रेसी तो चैन से सो लेंगे, लेकिन इन गरीब किसानों के नींद का हिसाब कौन देगा। यात्रा की तैयारियों के नाम पर किसानों के पेट पर वार किया जा रहा है, उसका हिसाब कौन देगा। अब किसानों के विरोध के बाद सवाई माधोपुर प्रशासन ने मुआवजा देने की बात कही है। किसानों को 45,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से दिया जाएगा, लेकिन इन किसानों की चिंता और सवाल यही है कि जिन्होंने कर्ज माफी का वादा करके उन्हें ठेंगा पकड़ा दिया, वो उनका मुआवजा कब, कैसे और कितना देंगे। राजस्थान तक के लिए सवाई माधोपुर से सुनील जोशी की रिपोर्ट।